दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं एनक्लेक्स क्या है, तो आज बताएंगे आपको कि एनक्लेक्स क्या है। व्हाट इज एनक्लेक्स? नेशनल काउंसिल लिसेंशियर एग्जामिनेशन। तो ये लिसेंशियर एग्जामिनेशन है, नेशनल काउंसिल लिसेंशियर एग्जामिनेशन। जो यूएसए में या कनाडा में जाना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए तो याद रखिए। अब ये बंदा एलिजिबल है नहीं एलिजिबल, कोचिंग वहाँ बहुत महंगी पड़ती है यूएसए में। मान लो एक लड़की वहाँ चली गई, उसकी ब्याह हो गया यूएसए या कनाडा में स्पाउस वीज़ा पे, या मान लीजिए वो स्टडी बेस पे गई, यहाँ से जीएनएम थी और आगे एजेंट ने कोई और कोर्स दिला दिया, वहाँ तो बहुत महंगी है एनक्लेक्स की कोचिंग, ऑनलाइन भी फेस टू फेस भी। तो वो यहाँ फ़ोन करते हैं। अब नेचुरली यहाँ पे कंपिटेंसी है कि डॉक्टर पढ़ा रहा है कि कोई नर्स पढ़ा रही है, कि वो एनक्लेक्स क्लियर है, तो डॉक्टर और नर्स में तो फ़र्क होगा ही, वो बड़ा तकड़ा फ़र्क होगा। अब दोस्तों, व्हाट इज़ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग? यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और सभी के पास 50 ही स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग है। बोर्ड ऑफ नर्सिंग डिटरमिन करेगा इफ़ यू आर एबल टू टेक द एनक्लेक्स, कि आप एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि एनक्लेक्स दे सकते हो एंड गेट लाइसेंस इन स्टेट, क्योंकि आफ्टर ऑल यू स्टेट में आपने, जैसे मान लीजिए पंजाब में पीएनआरसी है वैसे, और ऊपर टॉप पे कौन है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सवाल उठता है, कई लोग कहते हैं कि मैं उस कंट्री में नहीं रहता जो ऑफर नहीं करती है एनक्लेक्स फॉर एक्सपायरिंग फॉरन ट्रेड नर्सिंग एंटीसिपेटिंग ए न्यू लाइफ इन यूएसए और कैनेडा। सो ए फ्यू कंट्री ऑफर एनक्लेक्स, वी डू एक्नॉलेज हाउ ये तो फिर इनएक्सेसिबल है जब तक बंदा उधर नहीं जाता। तो वेन कैन आई टेक माई एनक्लेक्स? तो बेसिकली ये आपने तय करना है, यू कैन अप्लाई एंड रजिस्टर फॉर एनक्लेक्स एनी टाइम। देन इट इज़ अबाउट फाइंडिंग द राइट डेट दैट अकोमोडेट्स यू, बट देर इज़ 90-day लिमिट वेन यूर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। 90 दिन के अंदर, 90 दिन का आप एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के बाद यू कैन टेक एग्जामिनेशन। तो दूसरा दोस्तों, वाई डज एनक्लेक्स मैटर? इट मैटर्स बिकॉज इन यूएसए और कैनेडा एनक्लेक्स स्टैंड बिटवीन यू एंड नर्सिंग लाइसेंस, आप और नर्सिंग लाइसेंस के बीच में एनक्लेक्स खड़ा है, बैरियर है। द टेस्ट मेजर द नॉलेज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर नर्स। पासिंग स्टैंडर्ड इज सेम ओवरसीज एज इन यूएस। जितना अमेरिका में पासिंग स्टैंडर्ड है, बाकी देशों में भी वही है। देर इज बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, ये बेसिक लेवल नर्सिंग नॉलेज की है, और अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड टू केयर फॉर लिव्स ऑफ सिक एंड इंजर्ड। इसमें ये मेन आपने बात देखनी है। कंट्री एंड नॉन मेंबर बोर्ड टेरिटरी दैट कंट्री एडमिनिस्टर एनक्लेक्स एग्जामिनेशन आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंग्लैंड, हांगकांग, इंडिया, जापान, मेक्सिको, फिलीपींस, पुर्तोरिको, साउथ अफ्रीका एंड ताइवान। वेयर कैन आई टेक्स द एनक्लेक्स? तो कंट्री एंड नॉन मेंबर बोर्ड टेरिटरीज दैट करंटली एडमिनिस्टर द एनक्लेक्स एग्जामिनेशन आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंग्लैंड, हांगकांग, इंडिया, जापान, मेक्सिको, फिलीपींस, पुर्तोरिको, साउथ अफ्रीका और ताइवान। तो दोस्तों, ये आप एनक्लेक्स ले सकते हो यहाँ यहाँ पर। अब एक और बैरियर भी ये है कि जो कंट्री एनक्लेक्स ऑफर नहीं करती, सपोज करो मैं नाम नहीं लूँगा कंट्री का, मैं ए लिखता हूँ, ए कंट्री ऑफर ही नहीं करती है एनक्लेक्स, नेचुरली आप बैरियर है, ये भी बड़ा तकड़ा बैरियर है, आप अपने देश में नहीं करके वहाँ जा सकते। तो ये बेसिकली आपकी कंट्री अगर एनक्लेक्स ऑफर नहीं करती, तो ये भी बहुत बड़ा बैरियर है। इसके बाद सवाल उठता है, इज एनक्लेक्स एक्सेप्टेड इन कनेडा? द सेम एनक्लेक्स आर एन एग्जामिनेशन विल बी यूज फॉर कनेडियन एज यूएस एंट्री टू नर्सिंग प्रैक्टिस इन 2015। सेम ही है। इज इंडियन नर्सिंग डिग्री वैलिड इन यूएसए? नॉट एलिजिबल टू। नर्सेज जो हैं वो एलिजिबल नहीं है यूनाइटेड स्टेट में वर्क करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल फॉरेन एजुकेटेड नर्सेज आर एलिजिबल टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट।
बदकिस्मती सारी जो फॉरेन एजुकेटेड नर्सेज हैं वो एलिजिबल नहीं है यूनाइटेड स्टेट में. दीज इंक्लूड बार आर नॉट लिमिटेड टू नर्सेज विद लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस, जिनका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, नर्सेज लैकिंग ए 4 ईयर डिग्री, जिनके पास 4 साल की डिग्री नहीं है. अब सवाल उठता है, इज़ इट हार्ड टू पास दी एनक्लेक्स? क्या एनक्लेक्स पास करना बहुत मुश्किल है? अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग इन 2017, फर्स्ट अटेम्प्ट एनक्लेक्स पास रेट फॉर US, अमेरिका के लिए जो एनक्लेक्स जिन्होंने दिया, US एजुकेटेड नर्सिंग स्टूडेंट वाज, जिन्होंने नर्सिंग USA से की और एनक्लेक्स भी वहीं दिया, तो 87% बंदे पास हुए, 13% फेल हुए. सेकेंड अटैम्प्ट पास रेट फॉर डोमेस्टिकली एजुकेटेड स्टूडेंट टेकिंग द टेस्ट, यानी कि जो बाहर पढ़े, उनका पासिंग रेट 45.56% रहा. दिस रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट इज़ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टेस्ट. तो जो फॉरेन एजुकेटेड नर्स थी वो 45%, 45.56, और जो फॉरेन एजुकेटेड नर्स थी यानी कि जो USA में ही पढ़ी हैं, 87, वहाँ 13 फेल हुए, यहाँ 55 फेल हुए. उसी कंट्री है जो कि इंडियन नर्सिस से अच्छी है. इंडियन नर्सिस, विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर इंडियन नर्सिस? UK, दुबई, आयरलैंड, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. हाउ मच नर्सिस अर्न इन कनाडा? एवरेज रजिस्टर्ड नर्स सैलरी इन कनाडा जो है $79,791 है. तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर कीजिएगा, 80,000 लगा लीजिए, 80,000 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, $40.92 यानी कि पर आर है. यानी कि एक नर्स $80,000 पर ईयर कनाडा में कमाती है, 80 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए. अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पासिंग स्कोर क्या है? What is NCLEX passing score? According to recent release from NCSBN, passing logit score for NCLEX RN 2019 is 0.00. इसका मतलब क्या है जीरो का? Basically, this means that you need to be answering the medium difficulty question. जो medium difficulty question है, उनको ठीक आंसर देना है at least 50% of time to pass. तो आपके पास 50% टाइम बचा हो जब आप मीडियम डिफिकल्टी एग्जामिनेशन क्वेश्चन के आंसर दे चुके हों. पूछा जाता है, इज कनेडियन एनक्लेक्स एक्सेप्टेड इन USA? बिल्कुल. एक्चुअली कनेडियन एंड अमेरिकन नर्सिस नाउ राइट द एग्जैक्ट सेम लाइसेंसिंग एग्जाम व्हेन दे ग्रेजुएट, विच ऑलो अस टू वर्क इन आइदर कंट्री. दोनों कंट्री में हम काम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू अप्लाई फॉर द लोकल लाइसेंस टू प्रैक्टिस. सो येस, अवर एजुकेशन इज इक्विवेलेंट. यू नीड टू हैव एन अमेरिकन अप्रूव्ड एजुकेशन. What is, how much do nurse earn in USA? USA में कितना कमाती है? US Bureau of Labor Statistics बताते हैं मई 2017 मई 2018 में registered nurses की median salary USA में 71,730 पर ईयर थी. तो इसको 76 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता लग जाएगा. सवाल उठता है कि लोग कहते हैं NCLEX पहले टाइम में कैसे पास करें? अंडरस्टैंड द NCLEX फॉर्मेट. ये कैट फॉर्मेट है, कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग. स्ट्रेस मैनेजमेंट रखिए. नो यूर स्टडी स्टाइल, मेक ए स्टडी प्लान. डू नॉट ड्रा फ्रॉम पास्ट क्लिनिकल और वर्क एक्सपीरियंस. अपना पास्ट क्लिनिकल और वर्क एक्सपीरियंस से ड्रा ना कुछ कीजिए. टेस्ट टेकिंग स्किल्स, इन्वेस्ट इन रिसोर्सेज जितना ज़्यादा हो सके. रिसोर्सेज जो मिलते हैं ऑनलाइन, बुक्स मिलती हैं, उनमें इन्वेस्ट कीजिए. प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर की, पिछले सालों की और लेटेस्ट की. अच्छे ट्यूटर के साथ जुड़े रहिए साल डेढ़ साल, खासकर पंजाबी बंदे जो कि नॉन अटेंडिंग करते हैं, पढ़ते ही नहीं, बस नॉन अटेंडिंग GNM BSc नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती हैं. अब कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि हो जाती हैं का मतलब है कि इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, फंडे क्लियर नहीं है और NCLEX करने चले हैं. अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल, जिसमें अपडेट आपको मिलती रहेंगी.